चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। हे गाइस, मैं हूँ आरुषि और आज का वीडियो मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपसे एक हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में कॉमन प्रॉब्लम रहता है स्किन पे सन टैन, सन बर्न होना, बालों का डैमेज होना। तो आज मैं आपसे एक ऐसा हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जो धूप से आपके जो बाल डैमेज हुए हैं उनको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए, उनको थोड़ा सा पोषण देने के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जितने भी इंग्रीडियंट्स हैं वो सारे घर पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये मास्क पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बोलती हूँ कि अगर आपके बाल धूप से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो आप इस मास्क को हर 2-3 दिन में अप्लाई कीजिएगा, आपको 3-4 बार में ही असर दिखना चालू हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, एक और चीज़ के इस चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, गिव अवे कॉन्टेस्ट, जिसके 3 विनर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो नीचे लिंक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो इस हेयर मास्क के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिबिस्कस फ्लावर या गुड़हल के फूल का यूज़ करेंगे जिसमें विटामिन सी और अमीनो एसिड का रिच कॉम्पोजिशन होता है। ये बालों के सफ़ेद होने को प्रिवेंट करता है और हेयर फॉल और हेयर लॉस को भी कंट्रोल करता है। इसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। फिर हम कुकुम्बर यूज़ करेंगे, खीरा, जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B5 होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। और अब हम लेते हैं दही 1 कप, और इसमें विटामिन B5 प्रोटीन होता है जो मॉइस्चराइज़ करता है बालों को और डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। तो इसमें हम 4 चम्मच करीब खीरा का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो डालेंगे और 4-5 चम्मच हम ये गुड़हल का जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच हनी लेंगे। हनी एंटीऑक्सीडेंट होता है और डैंड्रफ को बचाता है, रोकता है उससे। इसमें हम फिर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे जिसमें ओमेगा 9 फैटी एसिड होते हैं। ये नॉरिशमेंट करते हैं बालों को और हेयर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सनशाइन और पोल्यूशन से डैमेज हुए बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन सबको हम एक साथ मिक्स करेंगे और अपने सारे बालों पर लगाएंगे। इस हेयर पैक को आपको 2 घंटे लगाना है और फिर बाल धो देना है। और जब आप बाल धोएंगे, जब सूखने के बाद आपको सॉफ्टनेस लगेगी अपने बालों में। इनफैक्ट इसमें जो हमने कुकुम्बर डाला है, खीरा, उसकी जगह आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप उसे काट के उसके अंदर का जेल यूज़ कीजिए। अगर नहीं है तो मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है ग्रीन कलर वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बाल धूप से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो फिर आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए और 3-4 बार में आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल बटन भी दबाइएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।